एंड हरे कृष्णा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए याद ब्लॉग्स एंड न्यू वीडियो। तो कल मैं आया, मेरे घर में चल रहा है कुछ काम, कुछ टूट टाट के फिर से बन रहा है घर नया, और साफ सफाई चल रहा है, रिन्यू हो रहा है। और मैं कल आया, यही काम करा भाई, मैंने पेंट किया पूरा दीवार। तो कल मैं वीडियो नहीं ला पाया टाइम पर, तो आज मैं बना रहा हूँ वीडियो। आप सबको हैप्पी दीपावली। एंड आज है दीपावली, तो आज मैं अपना घर डेकोरेशन करूँगा, तो डेकोरेट मैं कर रहा हूँ खुद से। तो और मैं लेके आया हूँ अभी कुछ सामान, यहाँ देखो लेके आ चुका हूँ, इसमें सजाने वाला है, इसमें फूल है, ओनली फूल। तो आज मैं पूरा घर सजाना है मुझे आगे, और दिखाता हूँ मैं कैसा पेंट किया था कल मैंने। तो इस वीडियो में बने रहो। जैसा कि मैंने इसमें बताया, इसमें फूल है, इसमें ये फूल है, इसका मैं खुद से लड़ी बनाऊँगा, और इसमें फूल की लड़ी बनी हुई है जो मैं अपने सामने गेट पे लगाऊंगा। और इसमें ये दीपावली का शुभ दीपावली लिखा हुआ है, चार मैंने पीस लिए हैं, चार गेट पे लगाना है मुझे। और ये रहा मेरा ये पेपर है, इस पेपर से मैं डेकोरेशन करूंगा। और ये डेकोरेशन बताना कैसा डेकोरेशन, एक लाजवाब डेकोरेशन करना है मुझे। और इसका है, और ये भी डेकोरेशन का पेपर है, तो इसको भी यहाँ साइड रखता हूँ। और ये शुभ दीपावली लिखा हुआ है, ये सामने गेट पे मैं लगाऊंगा। और मैंने ये हुक भी ले रखे हैं, इसके भी काम आएंगे। तो अब मैं नीचे जाता हूँ और डेकोरेशन करता हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ सामने मेरे घर में क्या क्या काम हुआ है, वो मैं बताता हूँ, और कल मैंने जो पेंट किया वो दिखाता हूँ। तो ये पूरे दीवार में जो वॉल पुट्टी किया है सब मैंने किया अपने से, कल पूरा दिन इसी में लग गया। और ऊपर ये देख रहे हो, ये रेलिंग नई लगी है, ये गेट नया लगा है, तो ये यहाँ है। और तब अभी स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन का काम। तो मैंने फूल वाली लड़ी लाई है, वो इधर मैं लगाऊंगा गेट के एकदम सामने, और एक इधर शुभ दीपावली वाला लगेगा, और इस साइड में बैलून लगाऊंगा, बैलून लगा के इस पे डेकोरेशन करूंगा, ये देखने वाला डेकोरेशन रहेगा। तो अब डेकोरेशन स्टार्ट करता हूँ मैं। तो अभी मैंने गेट पे लगा दिया फूल, अब अंदर वाले गेट पे लगाता हूँ फूल। अभी जो फूल बचा है अब मैं ये अंदर सामने वाले गेट पे लगाऊंगा इसको, जो बचे हुए हैं। तो दो लड़ी मेरी बची हुई है, इस गेट पीछे वाले गेट पे लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने दोनों फूल की लड़ी लगा दी, और ये लगा दिया, कुछ ऐसा दिख रहा है गेट ये है। और इस गेट का भी, ये मेरा मंदिर वाला गेट है ये, और ये मेरा एक और गेट है, ये अभी रूम बन रहा है, ये गेस्ट रूम रहेगा मेरा, पहले इसमें शटर था, ये गेस्ट रूम, ये अभी बन रहा है, ये नहीं पेंट किया ये अभी जो। और मैं बाहर का दिखाता हूँ, बाहर मैंने सजा दिया है, बाहर का दिखाता हूँ कैसा, बाहर कुछ ऐसा सजा दिया मैंने ये। ऊपर अभी लाइट लगाऊंगा, और अभी बाकी है बैलून भी लगाना था, बैलून बाहर मैंने लगाया नहीं इसकी, वो अजीब लगता है, इसलिए मैं अंदर बैलून लगाऊंगा। तो अंदर वाला डेकोरेशन होगा तो अंदर चलते हैं। बैलून मेरे पास पड़े हैं, तो बैलून मैं ले आया हूँ, तो इस रूम में मैं बैलून वाला सजाऊँगा। और ये वाला बैलून वाला डेकोरेशन कैसा लगता है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो नीचे, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए। अभी मैं लाइट भी बनाऊंगा, तो डेकोरेशन लाइट भी मैं दिखाऊंगा, वो भी ज़बरदस्त लगेगा देखने में। तो अभी बैलून का डेकोरेशन करता हूँ, और बैलून वाला डेकोरेशन कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बैलून वाला डेकोरेशन हो गया, ये देखो पीछे, ये अभी डेकोरेशन, अभी इसमें कुछ और बाकी है, इसमें अभी और होगा, वो ऐसे कागज़ लगेंगे, ये वाले ये कागज अभी लगने बाकी हैं। तो इधर ये इधर तीन है, इधर दो है, इधर तीन तीन बैलून के जोड़े हैं, इसमें चार चार बैलून वाले जोड़े हैं। तो ये कैसा लग रहा है, अभी और डेकोरेशन इसमें बाकी है, मैं कागज़ लेके आता हूँ। और बगल में मेरे भैया हैं, उनको एक लड़की हुई है, तो उनका अभी पार्टी चल रहा है, तो पहले मैं वहाँ जाके पार्टी अटेंड करूँगा, पार्टी अटेंड करने के बाद कागज़ लेके आऊँगा, उसके बाद और ये डेकोरेशन होगा, और फिर लाइट बनाऊँगा लास्ट में। तो और ब्लॉग्स आने वाले हैं भाई, तो नीचे सब्सक्राइब करो। तो अभी चलते हैं पार्टी। तो भोजन हो गया है कंप्लीट, तो अब चलते हैं फिर से घर पर और डेकोरेशन करते हैं। डेकोरेशन हो गया है अपना पूरा, मैं दिखाता हूँ अब ये कैसा लग रहा है। तो पीछे वाला बैलून देख सकते हो कैसा लग रहा है, ये और मेन ये तीनों, ये हुआ कंप्लीट। ये अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो, और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बचा है मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं,
रहे हैं शाम के 7:30 और अभी मैं बैठा हूँ पूजा पे। अभी पूजा हो रहा है, मेरे साथ मेरे भैया बैठे हुए हैं। मिलता हूँ पूजा के बाद। पूजा हो गया है समाप्त, लाए हैं पटाखे और पटाखे फोड़ेंगे। मैं दिखाता हूँ कौन कौन से बम लेके आए। बम यहाँ ऐसे मिलते हैं जैसे बिहार में दारू बंद होने के बाद दारू मिलते हैं, वैसे यहाँ बम मिल रहे हैं। ये सब बम लिए हैं मैंने। तो यहाँ पे पहला फ्लावर बम है, ये फ्लावर बम है, ये पहले अनार की तरह फूटता है, उसके बाद ये सब तो आप जानते हो उन वाला। और ये रॉकेट ले लिया, और ये मुर्गा छाप है, और ये भी ऊन बूम बम, ये आलू बम है, दिल्ली में आलू बम बोलते हैं सब। तो ये सब बम है और इसको हम सब फोड़ेंगे। और बता दूं डेकोरेशन लाइट बनाने का टाइम नहीं बचा था, बहुत काम था तो इसके वजह से बना नहीं पाया। तो फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं बनाऊंगा वो लाइट। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Thank you.